दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पांचवें T20 मुकाबले में जिस तरीके से संजू सैमसन और शिवम दुबे ने तूफानी बल्लेबाजी की और शिवम दुबे ने बेहतरीन विकेट भी लिए, उसे देखकर हैरान रह गए ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी मुकेश कुमार। शिवम दुबे की खतरनाक गेंदबाजी, शिवम दुबे की बेहतरीन बल्लेबाजी, संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। रिकी पोंटिंग से लेकर डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड से लेकर एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पांचवें T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन और शिवम दुबे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने लाजवाब प्रदर्शन करके टीम इंडिया को अकेले दम पर जीत दिलाई। सैमसन ने मुकाबले में 58 रन बनाए, उन्होंने अपनी पारी में एक चौका और चार बेहतरीन छक्का भी लगाया। शिवम दुबे ने तूफानी बल्लेबाजी करके 12 गेंदों में ही 26 रन बनाए, अपनी पारी में उन्होंने दो चौके दो बेहतरीन छक्के लगाए। और दोस्तों जब गेंदबाजी की बारी आई तब वहां पर भी शिवम दुबे ने कमाल की गेंदबाजी करके दो विकेट अपने नाम किए। शिवम दुबे के अलावा एक बार फिर से मुकेश कुमार ने दिल जीता, उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए दो शिकार किए और टीम इंडिया को लाजवाब जीत दिलाई। दोस्तों टीम इंडिया की इस जीत पर हैरान रह गए ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी। आपको बता दें रिकी पोंटिंग ने कहा, भारतीय टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, मुझे नहीं लगता उन्हें हराना इतना भी आसान होगा। जिम्बाब्वे को उन्होंने 4-1 से हरा दिया। शुभमन गिल, शिवम दुबे, संजू सैमसन सबने बेहतरीन खेला, मुझे शुभमन गिल की कप्तानी बहुत पसंद आई, पर मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा संजू सैमसन और शिवम दुबे की। शिवम दुबे के तौर पर भारतीय टीम को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया है। वेल डन टीम इंडिया, आपको सीरीज जीत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों रिकी पोंटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी देखी है, ये बल्लेबाज कभी भी किसी भी टीम का दिन खराब कर सकता है क्योंकि ये खतरनाक है, और भला संजू सैमसन को कौन नहीं जानता, ये दुनिया का महानतम बल्लेबाज बन सकता अगर इसे भारत लगातार मौका देता, पर मुझे लगता है अब संजू सैमसन का वक्त आ चुका है, उन्हें लगातार मौके मिलेंगे क्योंकि मुझे लगता है भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उन्हें लगातार मौके देंगे। दोस्तों डेविड वार्नर के बाद ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम क्या क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा पैरामीटर ही बदल गया है। शिवम दुबे, संजू सैमसन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, मैं किसका नाम लूं, सभी बेहतरीन हैं। ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में खेलकर परिपक्व हो गए हैं और उन्हें किसी भी टीम से डर नहीं लगता। भले ही सामने जिम्बाब्वे की टीम थी लेकिन जिम्बाब्वे भी अपने घर पर अच्छा खेलती है। पर हमें मुकेश कुमार की गेंदबाजी को नहीं भूलना होगा, दिल्ली के लिए उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और अब वो भारतीय टीम के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा मुझे लगता है भारतीय नहीं दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज बनेंगे क्योंकि उनके अंदर शानदार काबिलियत है, मैंने उनके साथ खेला है क्रिकेट, ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है और एक बार चलता है तो सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देता है। दोस्तों ट्रेविस हेड के बाद ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ा बयान दिया। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, ये नई भारतीय टीम है और नया तरीके का खेल दिखा रही है, इनके पास निडर बल्लेबाज हैं और लाजवाब गेंदबाज हैं, हम किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने शानदार कमबैक किया, हर एक खिलाड़ी ने अलग अलग मुकाबलों में शानदार योगदान दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है, खास करके संजू सैमसन, शिवम दुबे की। वैसे आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह को और ऊपर खिलाया जा सकता है या नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।